गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू फर्स्ट फ्लाइट पार्ट टू, ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ ने ये स्टोरी लिखी है और इसमें ये एक मिस्ट्री स्टोरी है। मिस्ट्री मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियस स्टोरी है ये। और ये बात है, ये स्टोरी है रिलेटेड टू अ नरेटर, नरेटर से जुड़ी हुई है, वर्णनकर्ता से। ठीक है, जो आपका ये वर्णन कर रहा है, वर्णनकर्ता से ये जो है स्टोरी जुड़ी हुई है। तो जो नरेटर है हमारा, ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? डकोता। डकोता क्या है? एरोप्लेन। वो डकोता एरोप्लेन को उड़ा रहा है और वो फ्रांस से कहाँ जा रहा है? वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड क्यों जा रहा है? बिकॉज उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू इंग्लैंड एंड ही वांटेड टू स्पेंड द हॉलीडेज। क्या स्पेंड करने जा रहा है? हॉलीडेज विद हिज फैमिली। ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी है। और वेदर जो है, जो मौसम है वो बिल्कुल क्लियर है। जब वो शुरू करता है उस टाइम मौसम बिल्कुल साफ होता है जब वो फ्लाइंग शुरू करता है। और वो सोचता है कि बहुत अच्छी उसने आज मतलब ये डिसीजन लिया है। तो इस तरीके से वो चल रहा होता है और रेडियो जो है उसका एरोप्लेन का वो ऑन कर रखा होता है उसने। और उससे उसको पता चलता है कि उसने 150 किलोमीटर फ्रांस से वो जो है आगे आ चुका है। फिर उसको एकदम से 150 किलोमीटर चलने के बाद उसको रास्ते में क्या मिलते हैं? ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स मीन्स काले बादल, वो मिलते हैं उसको। ठीक है, और वो ब्लैक क्लाउड्स बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह लग रही हैं। किसकी तरह लग रहे हैं? ब्लैक माउंटेन्स की तरह। माउंटेन्स होते हैं पर्वत पहाड़ों की तरह। जैसे धुंध का मौसम होता है ना, हमें आगे का दिखता नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। इन द सेम मैनर्स जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा होता है, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं और माउंटेन जैसे वो उसको नजर आ रहे हैं और उसको विजिबल नहीं हो रहा है आगे। तो धीरे धीरे वो क्या नोटिस करता है? वो नोटिस करता है कि जो ये क्लाउड्स हैं उससे वो बाहर कैसे जाएगा। ये बहुत रिस्की लगता है उसको। रिस्की मीन्स बहुत ज़्यादा मुसीबत भरा उसको लगता है। और वो क्या करना चाहता है? वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है सून एज पॉसिबल। वो सुबह तक पहुंच जाना चाहता है और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है चल पड़ता है। लेकिन चारों तरफ, अब उसको चारों तरफ क्या दिख रहा है? डार्कनेस, अंधेरा दिख रहा है उसको चारों तरफ। एंड इस तरीके से वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। वो बड़े रिस्क में आ गया है और उसके रेडियो ने, उसके कंपास ने, कंपास जो उसका मीटर होता है और जो भी वो दिखा रहा होता है, जो कंपास उसकी सुई होती है, वो मतलब उसको पता नहीं चल रहा है। सब खराब हो जाता है, सब डैमेज हो जाता है एकदम से। तभी उसको अचानक से एक आशा की किरण नजर आती है। उसको नजर आता है एक ब्लैक एरोप्लेन। उसको क्या नजर आता है? एक ब्लैक एरोप्लेन। और वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे कि हम धुंध में गाड़ी एक दूसरे के आगे पीछे लगा लेते हैं कि चलो भाई इसके पीछे पीछे चलते हैं, कम से कम कुछ तो नजर आएगा। तो इस तरीके से वो उसको फॉलो करता रहता है। कितना घंटा? आधा घंटा, हाफ एन आवर वो उसको फॉलो करता रहता है। और इस तरीके से वो क्लाउड से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। उसके अंदर ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट है, वो उसको कहता है मेरे पीछे पीछे आओ कि मेरे को फॉलो करो। इसी तरीके से वो उसको फॉलो करता रहता है और क्लाउड से बाहर आ जाता है। अब जो है वो उससे बाहर निकलता है तो स्काई जो है उसको बिल्कुल एम्प्टी नजर आता है। वो ब्लैक एरोप्लेन जो है, जो जहां से आया था वो गया कहाँ? ये बहुत रहस्य है कि वो कहाँ चला गया जिसने इतना हेल्प किया उसको। जब वो वहां से आता है और वो कंट्रोल रूम जाता है, कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी होती है उससे वो पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन, जो एक और एरोप्लेन उड़ रहा था आसमान में, वो कहाँ गया है, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो वो कहती है, लेडी बड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है, ब्लैक एरोप्लेन? कौन सा ब्लैक एरोप्लेन? यहाँ तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, मैं तो और कोई एरोप्लेन तो था ही नहीं, सिर्फ आप ही थे जो प्लेन उड़ा रहे थे। तो इस तरीके से नरेटर जो है एकदम से सरप्राइज रह जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं कैसे वो सेफ पहुँच गया है। नाउ वी आर डूइंग समरी। इट इज अ चैप्टर बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ ने चैप्टर लिखा है। इट इज अ मिस्टीरियस स्टोरी, यह एक रहस्यमय कहानी है।
हीरो ऑफ दिस स्टोरी वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन डकोता। हीरो जो है इस स्टोरी में अपना एरोप्लेन उड़ा रहा है, एरोप्लेन का नाम डकोता है। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा रहा है, उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश है। सडनली ही सा ब्लैक क्लाउड, एकदम से उसको ब्लैक क्लाउड नजर आ जाते हैं। ही हैड नो एक्स्ट्रा फ्यूल, उसके पास एक्स्ट्रा ईंधन नहीं है, ईंधन उसका खत्म होने वाला है, वो सिर्फ इंग्लैंड तक पहुंच सकता है, इतना ही ईंधन उसके पास है। ही टोक रिस्क, वो रिस्क लेता है, एंड एंटर्ड इन द ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स के अंदर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। देर वॉज डार्कनेस, वहाँ पे डार्कनेस है चारों तरफ। सडनली ही सा ब्लैक एरोप्लेन, फिर उसको ब्लैक एरोप्लेन नजर आता है। देर वॉज अ पायलट इन इट, इसके बीच में एक पायलट है बैठा है। ही आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम, वो उसको कहता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही कम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स, और इस तरीके से वो ब्लैक क्लाउड्स में से सेफली बाहर आ जाता है। ही फेल्ट रिलैक्स, वो थोड़ा आराम महसूस करता है। ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब इनविजिबल हो जाना, लुप्त हो जाना। द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई बिल्कुल खाली था। ही वॉन्टेड टू मीट द पायलट, वो पायलट से मिलना चाहता था जिसने उसकी इतनी हेल्प की। बट वीमेन इन कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट देर वॉज नो अदर प्लेन एट दैट नाइट, लेकिन वो लेडी कहती है उस रात वहाँ पे और कोई एरोप्लेन नहीं था। ही वॉज सरप्राइज, वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है कि उसकी मदद किसने की, मतलब कौन था वो जिसने उसकी मदद की, यानी कि उसका भगवान खुश था उसके ऊपर, उसका अभी टाइम नहीं आया था, दैट्स वाई वो ही इज टोटली सेव्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।